भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। काशी के विद्वान स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि भाई बहन के प्यार के इस पर्व का सीधा कनेक्शन द्वापर युग से है। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल के युद्ध के समय जब भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उनके हाथ से खून गिरने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनके हाथों पर बांध दिया, जिसके बाद भगवान ने उन्हें उनकी रक्षा का वचन दिया। इसी वचन के तहत द्रौपदी के चीर हरण के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तब से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हम लोग का एक पवित्र त्यौहार है जो प्रत्येक साल आता है और यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी बड़ी विशेषता है कि इस दिन यदि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो भाई उनके वचन को स्वीकार करते हैं, जो भी मांगती हैं, जो भी वचन देती हैं उनके वचन को स्वीकार करके उनके हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अब बहनें बदले में उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम दीर्घजीवी रहो, तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण रहे और तुम स्वस्थ रहो। इसके पीछे पौराणिक कथाएँ बहुत सारी हैं। जैसे एक बार शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई चल रही थी और शिशुपाल के वार से भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली जो है कट गई थी। उस समय द्रौपदी जी दौड़ के गई उनके पास, अपने साड़ी का दुपट्टा फाड़ कर उनके उंगली पर बांधा और तब भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि बहन तुमने मेरी रक्षा की, मैं भी जब वक्त आएगा तो तुम्हारी रक्षा करूँगा। और उसके बाद जब चीरहरण हुआ द्रौपदी जी का तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की, उनके लाश को बचा लिया। रक्षाबंधन को मनाए जाने के पीछे एक कहानी देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि से जुड़ी है। भविष्य पुराण के मुताबिक असुरों के राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इससे इंद्र की पत्नी सची काफ़ी व्याकुल हो गई। इस युद्ध में देवताओं की जीत हो इसके लिए सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने सची को एक धागा दिया और उनसे कहा कि इसे अपने पति के कलाई पर बांधे जिससे उनकी जीत होगी। सची ने ऐसा किया तो इस युद्ध में इंद्र की जीत हुई। यही वजह है कि पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले बहनें और पत्नियां अपने भाइयों और पतियों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। बलि से और राजा इंद्र से युद्ध चल रहा था, बहुत घनघोर और बहुत लंबा युद्ध जब चला तब युद्ध खत्म होने का नाम नहीं रहता। तब इंद्र देवता की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास गई और उन्हें प्रार्थना किया कि प्रभु किसी तरह से युद्ध को रोका जाए। तो भगवान विष्णु ने उनको एक धागा दिया, कहा कि जाकर पति को बांधिए, अब आने के बाद युद्ध में विजय प्राप्त किए।